पराली के लिए स्थायी उपाय दे सरकार, और पराली की जो ये समस्या इतनी बढ़ गई है, इस सब पर और ज़्यादा तफसील से जानकारी जुटाते हैं हमारे साथ रूपसी गर्ग, एसोसिएट डायरेक्टर खेती विरासत मिशन से ये हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूपसी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये बताइए कि पराली को लेकर एक बार फिर किसान जो हैं उन पर निशाना साधा जा रहा है, कितना सही मानती हैं, कितना जिम्मेदार मानती हैं आप किसानों को, पराली को, इस प्रदूषण के लिए? देखिए, जहाँ तक किसानों की बात है, उनके पास इतनी ज़्यादा पराली उत्पन्न हो जाती है पैडी की कल्टीवेशन के बाद कि उनको समझ नहीं आता है उसको कैसे संभालना है। अभी पूरे पंजाब में चारों तरफ आग लगी हुई है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। पहले बीच में कुछ दिन मौसम साफ रहा जब बारिश हुई, उसके बाद अभी पूरा धुआं बन चुका है। तो किसानों के पास और कोई चारा नहीं है, वो कहते हैं कि हम मजबूर हैं, हम इतनी सारी पराली को कैसे संभालें। लेकिन इसके लिए सरकार करीब 500 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, मशीनों पर सब्सिडी, हाल में सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश, 100 रुपए प्रति क्विंटल की आर्थिक मदद, फिर भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। हाल ही के ताजा आंकड़े दिखा रहे हैं कि गुरपुरब पर 529 ताजा मामले सामने आए हैं पराली जलाने के। हाँ जी, ये जो 500 करोड़ की मशीनरी सरकार ने बांटी है, इसका मुझे कहीं पे भी नहीं लग रहा है कि कुछ सदुपयोग हुआ है। किसानों ने आग, मुझे लगता है, पिछले साल से ज्यादा ही लगाई है इस बार, और ये बढ़ती ही जा रही है। और जो 100 रुपए प्रति क्विंटल सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को देने का आदेश दिया है, तो वो अभी इस हालत में देना, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। या तो वो पहले होना चाहिए था, और अभी किसानों को वो 100 रुपए प्रति क्विंटल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करने होंगे, अप्लाई करना होगा, और फिर पता नहीं वो कब जाकर आएगा। तो यानी आप बोल रहे हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 7 दिन के भीतर ये मदद मिलनी चाहिए, वो असल में नहीं मिल पा रही है किसानों को, और इसलिए कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता में बदलाव नहीं आया, बल्कि जिस तरह से FIR दर्ज हो रही हैं, वो और ज्यादा इस चीज को अपोज कर रहे हैं। अभी तो किसी किसान के पास ये मदद नहीं पहुंची है, और जैसे सरकार और दूसरे जो ऑफिसर हैं वो किसानों के ऊपर केस कर रहे हैं जो भी पराली को आग लगा रहे हैं, तो इससे किसानों में प्रोटेस्ट और ओपोजिशन की भावना बढ़ रही है, और वो आगे बढ़ चढ़कर और आग लगा रहे हैं। चारों तरफ पंजाब की जमीन काली हुई पड़ी है आग लगाने से, और धुआं ही धुआं है, तरह तरह की बीमारियां इससे पैदा हो रही हैं, बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। ये बताएं कि इस तरह के सुझाव भी सामने आ रहे हैं कि पराली से कोयला बनाया जाए या फिर पराली को बॉयलर्स में इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जो पराली है उसकी जहाँ तक समझते हैं कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, यानी ज़्यादा पराली चाहिए वो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए। आपको क्या लगता है कि ये जो दिशा में चलना, क्या ये सही रहेगा? इतना इन्वेस्टमेंट किया जाए, बॉयलर्स उस तरह के बायोफ्यूल सेटअप किया जाए, तो भी ये दिशा क्या सही है जिस पर चला जाएगा? देखिए, मुझे लगता है ये उसका कोई स्थायी समाधान नहीं होगा, क्योंकि हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कल को हो सकता है वो भी हमें एक बड़ी प्रॉब्लम लगे। जैसे हमारे यहाँ पास में ही, जहाँ हम रहते हैं जैतो में, यहाँ पराली की बेल से पावर जनरेशन प्लांट लगाया गया, और वहाँ पे चारों तरफ पराली ही पराली है। अभी कुछ दिन पहले खबरों में आया कि पराली में आग लगने से 4 ट्रैक्टर जल गए हैं, तो ये तो और भी खतरनाक और घातक है ना पराली को एक जगह। रूप से तो इन सब के बीच ये बताएं कि क्या है इसका स्थायी समाधान संक्षिप्त में? मेरे हिसाब से इसका स्थायी समाधान है मल्टी क्रॉपिंग, जिसमें हम सिर्फ गेहूं और धान की खेती ना करें, हम तरह तरह की फसलें, सब्जियां, तेल इत्यादि लगाएं, और किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य मिले, क्योंकि अभी किसान धान इसलिए ज्यादा लगाते हैं, उनके पास इसकी अश्योर्ड मार्केट है MSP, जबकि दूसरी फसलों के लिए उनके पास कोई अश्योर्ड मार्केट नहीं है, वो चाहे कपास हो, चाहे मक्का हो, चाहे दालें हो, तो इसलिए किसानों का ज्यादा रुझान धान की तरफ रहता है। पर ये ना हमारे इकोलॉजी के लिए, ना हमारी सेहत के लिए, और ये जो पूरा एग्रीकल्चरल मॉडल है उसके लिए भी ठीक नहीं है। तो मल्टी क्रॉपिंग, क्रॉप डाइवर्सिटी,
और किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य मिलना, टाइम पे मिलना, ये बहुत जरूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस इनसाइट के लिए रूपसी। तो रूपसी बताते हुए कि किस तरह से ये पूरा जो सिस्टम है ये MSP से भी कहीं ना कहीं जुड़ा है, तो जिस तरह से जो बाकी की जो फसलें हैं क्रॉप डाइवर्सिफाई की जाए और उन फसलों पर भी उनको सही दाम मिले किसानों को, तो वो शायद इस तरफ अपने कदम बढ़ा पाए।